अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुसा रेदे पे साडा यूट्यूब चैनल में तोरा अपना मेरा सिकंदर हयात। अज सारी वीडियो दा मेन पॉइंट वादी हुंजा है। वादी हुंजा पाकिस्तान दे शुमाली इलाका जात दे विच वाके है। हूं वादी दे विच वाके किला अलती बहुत ही मशहूर है। वादी हुंजा दे लोग अपने आप को बरोशो सड़वेनन। उन्हें लोगों का यह भी दावा है कि वह सिकंदर आजम के लश्कर के शामिल यूनानी फौजें की औलाद हैं। दोस्तों ये ख्याल पाकिस्तान ते अफगानिस्तान के पख्तूनों की खातर भी तस्लीम किया वेंदे। वादी अलतीत एक कदीम गांव है जहाँ अपने किले की वजह तो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। यह किला गिलगित बल्तिस्तान के वाक़ है और बहुत ही पुराना ते कदीम किला है। दोस्तों इवें ही अलतीत वादी के कदीम लोगों के बारे ख्याल किया वेंदे कि उन्हें दा ताल्लुक सल्तनत फारस के कदीम गरीब किसान के नाल हा। दोस्तों यही बस्ती का पुराना नाम हनू कशाल हा, जिना मतलब हनू दा गांव हा। लफ्ज हनू तुर्क कबीले कनू वाबस्ता है। दोस्तों ये शानदार किला अलतीत हुंजा वादी के अमीर शाही खानदान ने तामीर करवाया हा। उन्हें दे नाल एक जुड़वा रियासत जिना नगर हा हुंदे अमीरें दे सामने अपनी ताकत का मुजाहरा किया वन सके। दोस्तों 11वीं सदी को रखते ही वक्त तक एक किला जिमें तामीर कराया गया है उवें अपनी असली हालत दे विच मौजूद है। दोस्तों ये ना सिर्फ कई हमलावरों के हमले को महफूज रहे, तामीर तो बाद आवन हाले जलजले दे विच भी ही ने अपना वजूद बाकी रखे। दोस्तों ये अपने दौर का एक कदीम और बहुत पुराना किला है और ये इतना मजबूत किला है कि ही को वादी हुंजा दे शहर दी पैदाइश की वजह भी आदन और यह हुंदा दारो खिलाफा भी रह गए। दोस्तों ही किले दे विच एक बुरज इमारत भी है। ये इमारत दरिया हुंजा कनो 1000 फुट बुलंदी ते वाके है। ही वहद बुरज का मकसद दौरान जंग दे विच पूरे इलाके की निगरानी करना हा। वादी हुंजा को हमेशा रूस ते चीन के सिपाहियों कनो हर वेले खतरा रह वेंदा हा। ही वजह तो ही दे दरवाजे भी 5 से 6 फुट उच्चे बनाए गए हैं ताकि हमलावर फौजी चौक के अंदर दाखिल थी वन और दिफाई फौजी उन्हें दे सर कलम कर गिनन। दोस्तों एक किला 1540 दी दिहाई दे आखिर दे विच हुंजा दे शाही खानदान दे दो भरावें दे दरमियान झगड़े दी वजह तो तामीर करवाया गया हा। उन्हें दो भरावें दे नाम प्रिंस शाह अब्बास उर्फ शाहबूस प्रिंस अली खान दे दरमियान झगड़ा थिया हा। ये किला बहुत जल्द ही वादी हुंजा दा दारुल खिलाफा बनाया गया हा। दोस्तों ही किले को प्रिंस अली खान ने अपने वड़े भेरा के खिलाफ हमले ने किते भी इस्तेमाल किया वेंदा हा। ते शाह अब्बास दिनादेन हूँ अपने छोटे भीरा को बुर्ज के अंदर सतूने के सामने तले जिंदा दफनाया हा। दोस्तों 1891 दे विच बरतानवी फौजा हिंदुस्तान दे विच रूस की कहीं भी सियासी मुदाखलत को ख़त्म करन की थे हिंदे गलियों तक आन पहुँचा हैं। दोस्तों बरतानवी कब्जे के असूल के तहत वादी हुंजा दी बागडोर हूँ वक्त के साबिक चीफ दे सोतेले भाई दे हथे दे विच आई जिंदे उत्ते अंग्रेजे को पूरा इतमाद हा। दोस्तों तकसीम हिंद दे बाद भी हुंजा एक शाही रियासत रह गई है, लेकिन यह सिलसिला सिर्फ 1972 तक चल सके। 1972 तो बाद समाजी ते सियासी इस्लाहात की वजह तो शाही खानदान को ही रियासत के अख्तियार वापस गिन किए गए हैं। दोस्तों हूँ तो बाद एक किला आगा फाउंडेशन को तोहफे दे विच भी दिता गया। दोस्तों इब्तदई दिहाड़ी ने जाने किला तामीर करवाया गया। हूँ डिमार हूँ इर्द गिर्द वस्तियाँ ते ताजरें दे घर हैं जिहड़े पूरी दुनिया के अपना माल बनते फिरोख करेंदे हैं। कदीम शहर रेशम दे रोड को इस्तेमाल करेंदे हुए चीन दे दाखिल थीने हैं ते अपना समान विचेंदे हैं। ये खिता सकाफती मरकज भी रह गए। तो अगर ही वादी दे विच मौजूद किले दे उते जिहड़ा बुर्ज बनाया गए उन्हें उते चढ़ते जिठा वंजीजे तो पूरे इलाके का मंजर साफ नज़र आंदे। ही बुर्ज को ना सिर्फ किले की हिफाजत ते शहर तहफुज किते बनाया गया बल्कि सजाए मौत दे कैदियों को भी इठे के गले दे विच रस्सी पाते उत्तों को तले धिक्का देने हैं। दोस्तों ही किले दे अंदर शाही खानदान दे इस्तेमाल शुदा बर्तन बतौर नुमाइश रखे गए। ही किले दे दरवाजे खिड़कियां सीढ़ियां लकड़ी दे नाल बनाया गया हैं। जिस टाइम भी ही किले दे अंदर दाखिल थी वो ये अपनी पुरानी कहानी बयान करेंदा सुनेंदे।
दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। मजीद हिस्टोरिकल वीडियो को देखने के लिए सारे फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्रेस।